संजय जी प्रिया बोल हेलो क्या योग्यता। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, मैं मेरा नाम बॉबी और ये जो मूवी आ रही है ये एक मुझे नहीं लगता कि एक वर्क के लिए है, इसमें सभी वर्क है, क्योंकि ट्रांसजेंडर मैं नहीं समझते कि ट्रांसजेंडर सिर्फ एक ही वर्ग है, उसको वो एक कम्युनिटी है जो समाज से जुड़ी हुई है, तो उसको हम अलग समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी आपके बारे में ये सब के बारे में वो लोग अच्छा ही सोचते, कभी उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं समझते। तो ये जो ये फिल्म आ रही है ये समाज का हर वर्ग इस फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा आगे जाके, और ये फिल्म उस कम्युनिटी को बहुत बड़ी सपोर्ट करती है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको बहुत बड़ा मैसेज और उसको सपोर्ट करेगी ये फिल्म। आपको ऐसा क्या लगा कि आपने ये फिल्म बनाया? हाँ, क्योंकि मुझे एक अपनी एक पहचान, अस्तित्व, मेरी पहचान क्या है, वो चीज़ मैं इस फिल्म के जरिए समाज को देना चाहती हूँ कि उनको पता चले कि बॉबी कुमार क्या है और उन्होंने किस तरह से ये सब्जेक्ट समाज के सामने लेके आया है, ताकि ये मेरी अपनी पहचान नहीं, ये समाज में इंसानियत का पाठ पढ़ाएगी, फिल्म इंसानियत का एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आ रही है, सबसे बड़ी बात। और इस फिल्म में कुछ ऐसा कुछ गाने वगैरह भी हैं? इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, और जो पहला गाना है जावेद अली जी ने किन्नर वॉइस में गाया, एक ट्रांसजेंडर को महसूस करके उसने ये गाना गाया है, वो सेकंड गाना ऋचा शर्मा जी गा रही हैं, एक हमारा आइटम नंबर भी है कि जो बहुत बड़ी सिंगर लचिस गाने वाले हैं वो लोग भी, तो गाने बहुत हैं, एक मसाला फिल्म होते हुए भी एक बहुत बड़ा मैसेज ये समाज को देखे जाएगी। हाँ जी, बहुत समस्याएं हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, मेरा अपना घर बिक गया है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं सामने नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं कमज़ोर हूं, मैं कमज़ोर नहीं हूं और ना ही मुझे किसी को कमज़ोर दिखाना है, मैं अपनी शख्सियत को एक पहचान की जो दिलानी है वो ब्रिड के जरिए मैं समाज को देना चाहती हूं, मैं अपनी कमज़ोरी का कोई भी हिस्सा सामने नहीं कुछ भी बोलूँगी, जब वक्त आएगा तो उन चीज़ों को भी मैं सामने से लोगों के सामने फॉलो करूँगी उनके साथ में उन चीज़ों को। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन मोदी जी की वजह से ये जो काफ़ी कुछ हुआ है इसकी वजह से मेरी फिल्म पोस्टपोन हो गई है, मार्च में मैं इस फिल्म को रिलीज करने जा रही हूँ। हाँ, देखिए ये उससे प्रॉब्लम हर एक आम आदमी को, ये हर एक किसी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सबसे ज़्यादा एक तबका जो छोटा तबका होता है उसको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और उन प्रॉब्लम को मैं भी सामना कर रही हूँ क्योंकि पैसों का बहुत ज़्यादा करेंसी जो आपस में चेंज हो रही है, इसकी वजह से पैसों को लेके हर एक काम मेरा रुक गया है, कि जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म आगे पोस्टपोन करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का महसूस हो रहा है इस वक्त इसलिए, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया है वो मेरे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, ये समाज के हर वर्ग के लिए लिया, जिसके लिए बहुत अच्छा, और ये जो बोल रहे हैं लोग काला धन काला धन काला धन, अगर ये ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे जो पुराने लोग कहते थे चिड़िया सोने की चिड़िया वाला इंडिया, तो सेम वही पोजीशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। क्या रोल है? देखो बेटा, ये फिल्म की जब मुझे बॉबी ने इस फिल्म के लिए बात किया, मुझे बुलाया अपने पास, तो जब उसने कहानी सुनाई तो कहानी सुन के मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ, कहानी सुनाई तो मुझे बहुत मार्मिक लगी, मर्म को छूने वाला, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि ये जो हमारे समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं जो कैरेक्टर, जो चरित्र, जिसको हम छक्का बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, या जिनके अंदर हम शारीरिक अपंगता होती है, मगर मन में तो अपंगता नहीं होती है, मन तो सबूत ही रहता है, मन तो बहुत कुछ चाहता है,
मन प्यार करना भी चाहता है, प्यार भी करता है, मन खुश रहना भी चाहता है, लेकिन समाज उन्हें इतना आज़ादी नहीं दिया, उन्हें बंदिशों में रखा। मुझे तो हैरत होती है कि वो उन माँ बाप की पैदा होते ही जो उन्हें अपने से अलग कर देते हैं। क्या शरीर ही वैसी चीज़ है जिससे माँ अपने बच्चे के प्रति प्यार खत्म हो जाता है, या फादर को समाज में अपमानित महसूस होते हैं? ये सब मन का भ्रम है और इसी के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है। इसके खिलाफ बॉबी ने आवाज़ उठाई है। और चूंकि मैं इसमें हीरो की माँ बनी हूँ, बॉबी मेरी बेटे से मोहब्बत करती है जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वही है, मैं तो इतनी मॉडर्न नहीं हूँ, इतना मेरा आउटलुक बड़ा नहीं है, मैं एक आम आदमी की आम औरत बनी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि दोनों का प्यार बढ़े, दोनों मिले, तो हमेशा उनको अलग करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा बेटा इनसे शादी करना चाहता है, मैं इसके विपरीत हूँ, एकदम अगेंस्ट हूँ। मैं जाके इस बॉबी के चेहरे पर, मतलब बॉबी हीरोइन है, उसके मुँह पर पैसे फेंक के आती हूँ कि तुम्हें जितने पैसे हैं लेने हैं ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। खैर छोड़ तो देता है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम तब हो जाता है जब शादी होती है मेरे बेटे की किसी दूसरी लड़की से, तो मैं उसको बुलाती हूँ डांस करने के लिए, बॉबी को, कि तुम लोग का तो काम ही है डांस करना, तुम हिजड़ा हो, तुम लोग को तो शादी ब्याह में डांस करना, और वो आके मेरे यहाँ डांस करती है। तो खैर कहानी तो बहुत मर्मस्पर्शी है, बहुत दिल को छूने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी को समाज के साथ सामने लाना, इसकी विरक्तियों को दिखाना, इसके अगेंस्ट में कुछ बोलना बड़ी हिम्मत की बात है, जो बॉबी कर रहा है। उसने तन से, मन से, धन से इस फिल्म में अपनी जान लगा दी है। और मैं यही दुआ करूंगी ईश्वर से और सारे ऑडियंस से, प्लीज़ उसकी इस मेहनत को एक बार ज़रूर देखें और सराहें। और मेरी दुआएं हैं बॉबी के साथ। बस मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी ब्रिट की पूरी टीम को और लोरी सॉन्ग है, मैंने बताया, और माँ और बच्चे के ऊपर ये दर्शाया जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछा, एक अलग सब्जेक्ट को लेकर मूवी है, कितना गाने में थोड़ा चेंजिंग है कुछ? नहीं, क्यों चेंज होगा, लोरी है एक माँ और बाप बच्चे के ऊपर जो एक फीलिंग होता है वो इस गाने में दर्शाया गया। रनिंग प्रोजेक्ट फिलहाल इस वक्त ये रनिंग, और मैं भी रन करता हूँ।